स्पोर्ट के कुछ मोटे मोटे आते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि ये पूरी एक टीम थी, कुछ नई टीम थी, वो जो मौसम था उस हिसाब से जिन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए। इस पर हमने दो तहसीलें हैं, उदयपुर और डूंगरपुर की, उदयपुर की नयागांव और डूंगरपुर की बिछीवाड़ा, दो तहसीलों के हमने आंकड़े लिए और 139 गांवों में हमने अप्रोच करी और हमने कहा कि 206 जो गांव थे उनके 240 आंगनबाड़ी सेंटर जिसमें आ रहे हैं, हमने उनसे संबंधित जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं। हमने जो आंकड़ों में देखा, हमने तीन चीज़ों को इसमें देखा कि सेवाएं क्या है ICDS की, उसका ढांचा क्या है और व्यवहार क्या है, इसको हमने केंद्र में रखा और हमने कहा, हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए उसके आधार पर जो निकल के आ रहा है कि 62% जो आंगनबाड़ी सेंटर है इसमें 139 में से उसमें औसत सेवाएं जो जरूरत की सेवाएं हैं वो नहीं है और 14.56 जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो जो है वो 2 से 3 किलोमीटर दूर है पहुंच से, जहाँ धात्री महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो फला है, जो पहाड़ों की जो मगरे में जो लोग रह रहे हैं उनसे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 49.51 जो गाँव हैं मतलब सेंटर है उसके जो पोषण जो दिवस है वो सिर्फ एक दिन मनाया जाता है कि एक दिन में बुलाया लोगों को, एक दिन में आपने उनको पूरा जो पोषण वो बांट दिया, वो कितना लोगों तक पहुंच पाता है नहीं पहुंच पाता वो अलग आंकड़े हैं। और हमने कहा कि 534 गांव हैं 139 में से, उसमें लोगों से हमने जो बात करी क्या 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 आशा वर्कर है कि नहीं है, हो सकता है वो छोटी ढाणियाँ हों नहीं, पर 534 में गाँव में हमें कहा गया कि हमारे यहाँ कोई आशा वर्कर नहीं आती है। 61.65 जो गाँव हैं वहाँ से हमें ये निकल के आए आंकड़े कि आज भी जो महिलाएँ गर्भवती महिलाएँ हैं वो एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाती है अपने गर्भवती डिलीवरी के दौरान अस्पताल पहुंचने में। 7.28 जो आंगनबाड़ी केंद्र जो हमने देखे वो आज भी छप्पर में चल रहे हैं, जो कि पक्की बिल्डिंग होनी चाहिए, पूस की टापियों में वो सेंटर चल रहे हैं। 36.41 जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें पीने की जो पानी की व्यवस्था है वो सुरक्षित पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ पानी नहीं है। और 33.98 जो गाँव है उसमें पीने के पानी की कोई मतलब आंगनबाड़ी सेंटरों पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह हमने गांवों के हेडपम्पों की बात करी, जो 147 गांव में जब लोगों से हमने पूछा कि आपके यहाँ हेडपम्प कितने खराब हैं सही हैं, तो जिन लोगों से हमने बात की उसमें 11.17 लोगों ने ये कहा कि हमारे जो हेडपम्प पीने के पानी के हेडपम्प है वो लगभग खराब की स्थिति में है, नहीं उनसे पानी नहीं पिया जा सकता। 70.87% जो सेंटर हैं उनमें आज भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। 25% जो शौचालय है उन मतलब जिन आंगनबाड़ी सेंटर पे 25% आंगनबाड़ी सेंटर पर शौचालय है वो ऐसे शौचालय हैं शौचालय पर वो उपयोग की स्थिति में नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि 70% और 95% आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं है। 78.64 आंगनबाड़ी जो केंद्र हमने देखे उन पर रसोई की कोई व्यवस्था नहीं है, अलग से कोई रसोई हो, एक कमरा है उसी कमरे में आपके बच्चे ही बैठे हुए हैं, उसी में आपका स्टोर भी है और उसी में आपका क्या नाम बच्चे वो रसोई खाना भी उसी में बढ़ रहा है। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमारे पास जो आंकड़े निकल के आए, इस रिपोर्ट को मैं नहीं कह सकता कि भाई ये पूरी तरह सही है, पर जो हमारी जो टीम ने जो इकट्ठा किया, हमारी टीम ने जो मौसम उस हिसाब से था, इस तरह के जो आंकड़े आए वो ये एक वानगी है आंकड़ों की, तो मैंने इस आपके सामने रखा रिपोर्ट आपके हाथ में, तो मैं चाहूँगा कि हम आपको थोड़ा इसमें सुनना चाहेंगे। रही हमारी कि गांव के दौरान जब गए तो ये देखा साथियों ने कि कुछ कुछ जगह पे लिए वीडियो लिए, अधिकांश आंगनबाड़ी सेंटर तो इस स्थिति में भेट ही नहीं सकते आप, कुछ कुछ जगह आशा वर्कर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा हमें ऐसे सेंटर देखे हमने डूंगरपुर में जिसमें आंगनबाड़ी सेंटर के कार्यकर्ता ये कह रही है कि मैं अपने बच्चों को सेंटर के अंदर बिठा नहीं सकती बारिश के मौसम में कि वो कभी बिल्डिंग गिर जाए, वो जर्जर स्थिति में बिल्डिंगें हैं, ये जर्जर स्थिति जो बिल्डिंगें हैं वो हमारे यहाँ डूंगरपुर में भी है और नया गांव के भी कई सारे जो आपका बम्बाला और इस गांव है इसमें हम जो आंगनबाड़ी सेंटर है वो ऐसी स्थिति में है कि उसमें बच्चों को बिठाना भी सुरक्षित नहीं है। ये हमारे अनुभव गांव में जो रहे इस अध्ययन के दौरान के